हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है विशेष ज्ञान एडुयान और मैं हूँ आपके साथ रत्नेश कुमार गिरी। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में कि क्या फिर से दिल्ली में जो है लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि हाल ही में अगर आप देख सकते हो तो दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है, जो वायु की गुणवत्ता है, वो इतनी ख़राब हो रखी है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई हिदायत भी दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ तस्वीरों को, तो देख सकते हो कि यहाँ की विजिबिलिटी जो है वो लगातार कम होती जा रही है और इसके साथ साथ ही जो स्मॉग का जो खतरा है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पे पहुँच गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो ये वायु की गुणवत्ता को मापने का काम करता है दोस्तों। ये आपकी जो पार्टिकुलेंट मैटर होता है 2.5 और पार्टिकुलेंट मैटर PM 2.5 और PM10 जो है, मेनली ये उसको कवर करता है और उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रॉक्स की जो मात्रा है उसको कवर करता है दोस्तों। उसी को इंक्लूड करते हुए जो आपकी वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो आपकी बनाई जाती है दोस्तों। अगर हम बात करें दिल्ली की जो मेजर शहरों की, तो आपकी गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा ख़राब है और इसके बाद ही जो आपका NCR का फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, आपका नोएडा, गाज़ियाबाद जो है, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब पॉल्यूशन है। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जो अंडर 50 जो आपका AQI होता है दोस्तों, वो आपकी बहुत अच्छी मानी जाती है। आपका 100 से जो बिलो होता है दोस्तों, वो आपकी सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ठीक ठाक कर सकते हो दोस्तों। उसके साथ साथ आपकी जो 100 से 200 का जो लेवल है, ये आपकी मॉडरेट में आती है दोस्तों। यानी यहाँ पर इसमें सुधार की आवश्यकता है, बट फिर भी चल सकता है ये। इसके बाद का जो लेवल है दोस्तों, ये आपका लगातार खराब, यानी कि वोर्स कंडीशन की तरफ आपको इंडिकेट करता है दोस्तों। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इसमें जो आपके वायु की गुणवत्ता, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि सरकार ने कई मेजर्स पहले से ले रखे थे, बट फिर भी यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है ऑलरेडी आपकी जो हजार्डस, बिल्कुल ही खतरनाक लेवल पे पहुँच गए दोस्तों। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कई सारी बातें बोली है। जैसे आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आपको केंद्र और राज्य की दोनों की जो आपके कर्मचारी एम्प्लॉय हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की बात की दोस्तों। और इसके साथ साथ ही ये बोला है कि किसानों को एट ए टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए आपकी जो पराली की समस्या है उसको थोड़ा सा कम करें, ताकि आपकी जो टेम्पररी लेवल पे जो आपकी सेंट्रल NCR रीजन की जो एयर क्वालिटी है उसको थोड़ा सा सुधार किया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें दिल्ली की आपकी लोकेशन की, तो आप देख सकते हो कि दिल्ली में मेनली आपकी जो 5 मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके साथ साथ इसका जो एक्सटेंडेड एरिया होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दिल्ली NCR, यानी नेशनल कैपिटल रीजन दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया का मैप है दोस्तों। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों हमारी दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी पॉल्यूटेड होती है, सबसे ज़्यादा हमारे पूरे देश भर में प्रदूषण से और स्मॉग से प्रभावित होती है, इसका क्या क्या कारण है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या वर्डिक्ट रहा है और इसने क्या क्या चीज़ें बोली है। तो एक तो इसने वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया दोस्तों, दूसरा इसने इमरजेंसी बैठक के लिए भी निर्देश दिया कि आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके साथ साथ आपकी जो आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, आपकी म्यूनसिपालिटी जो कॉरपोरेशन हो गई, जो लोकल बॉडीज हैं जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या आपकी जो सब अर्बन लेवल पर जो काम करती है, उसको आपकी एक मिनिस्ट्रियल लेवल या उसके जो आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव लेवल बैठक करके और उसको आपकी एग्जीक्यूट करने की बात की है दोस्तों। इसके साथ साथ तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को उसकी लेम एक्सक्यूजेस के लिए, जो हमेशा वो उल्टे सीधे जो एक्सक्यूज देता है, जो हमेशा अपनी जो गलतियां दूसरों पर टालने वाली जो उसकी आदत है, उसको लेकर के भी थोड़ी फटकार लगाई है दोस्तों कि हर स्टेट को अपने लेवल पर भी तैयार होना चाहिए, हमेशा दूसरों पर आप निर्भर नहीं रह सकते। आपके सोलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, उन्होंने एक चीज़ बोला है कि जो आपके किसानों का जो पराली का जो मुद्दा है, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है कि भाई आपकी हरियाणा, पंजाब और जो UP वाले एरिया से जो पराली की समस्या है उसके कारण ही दिल्ली में मेन जो पॉल्यूशन होता है, तो उसको लेकर के सोलिसिटर जनरल ने बोला है कि ये सिर्फ पूरे पॉल्यूशन लेवल का आपका सिर्फ और सिर्फ 10% है दोस्तों। यानी यहाँ पर बाकी जो 90% है वो आपका दिल्ली में ही ओरिजिनेट होता है और ये लगभग आपके हर साल की कहानी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके साथ साथ ही ये बोला है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे कहा है कि भाई हम जो है टोटल लॉकडाउन की तरफ जैसे कड़े कदम भी लगाने को तैयार है, लेकिन साथ साथ
जो हमारे एनसीआर के जो स्टेट्स हैं वो भी अगर कोऑपरेट करें तभी इसमें आपके सुधार होंगे। अगर दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो स्कूल्स, कोचिंग्स, इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपके बंद कर दी गई हैं। जो जितने सारे ऑफलाइन क्लासेस हैं दोस्तों, वो बंद कर दी गई हैं। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया गया है, और इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी 3 दिनों के लिए आपकी बंद कर दी गई है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जो है वो पूरे आपकी वर्ल्ड में सबसे खराब राजधानी के रूप में रैंक करता है दोस्तों। देख सकते हो आपकी दिल्ली रैंक वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड पॉल्यूटेड कैपिटल है दोस्तों, सबसे मतलब प्रदूषित राजधानी है ये पूरी दुनिया में। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो ये दुनिया का दूसरा, चीन के ह्यूटन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों, गाजियाबाद। इसके साथ ही अगर हम बात करें भारत की और शहरों की, तो देखो पूरी दुनिया में जो सबसे खराब 100 शहरों की एक सूची निकाली गई थी, उसमें जो टॉप 30 आपके सबसे जो प्रदूषित शहर है, पोल्यूटेड सिटीज, उसमें जो है 30 में जो 20 प्लस यानी अबाउट 22 शहर जो है वो आपके भारत के हैं। उसमें बिहार का भी आपका पटना का नाम शुमार होता है। अगर हम आगे बात करते हैं कि दिल्ली में आखिर ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होने का क्या कारण है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेजर 5 रीज़न है आपके उसके खराब होने के। एक तो है आपका लैटिट्यूड, दूसरा उसकी जो आपका लोकेशन, तीसरा उसकी आपका पॉपुलेशन, फिर आपकी आर्टिफिशियल हीट, और फिर आपका आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क और ये चीज़ें जो होती है वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है दोस्तों। आप इस फिगर में देख सकते हो दिल्ली की लोकेशन दोस्तों, तो यहाँ पर आपका दिल्ली जो है बिल्कुल नॉर्थ इंडिया का पार्ट है दोस्तों। एक सबसे बड़ी चीज़ आपको ज्योग्राफी के मैटर से समझनी पड़ेगी दोस्तों, कि दिल्ली कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ है कि यहाँ पर आपकी जो विंड है, विंटर विंड आप कह सकते हो कि वो आपकी पैक हो जाती है एक तरह से। इस साइड से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अरावली माउंटेन है, और दूसरे साइड से आप देख सकते हो कि ग्रेट हिमालयन माउंटेन आ गया, नीचे आपका विंध्यन रेंज हो गया, और इस तरह से फिर यहाँ पर आपकी हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं। तो एक जो यहाँ से जो जब आपकी मानसून रिट्रीट होती है, जो आपकी मानसूनी जो वर्षा है, जब वो आपकी वापस आपका लौटता है, तो दोस्तों इस समय वो मानसून तो आपका रिटर्न हो गया, लेकिन इस वाले एरिया में आपका जो होता है दिल्ली वाले एरिया में, वो आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यानी यहाँ पर आपकी उच्च दाब का क्षेत्र है दोस्तों, जिसके कारण लगभग लगभग जो एयर का फ्लो है वो पैक हो जाता है। यानी यहाँ की हवा ना तो कहीं जाती है, बस इधर ही घूम घूम कर वो रह जाती है दोस्तों। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि आपकी जो ये जो मैंने बताया कि अरावली, विंध्यन, हिमालयन रेंज, और इस साइड में आपकी जो सुलेमान की पहाड़ियां हैं, उसके कारण यहाँ पर बिल्कुल एक कह सकते हो कि वृष्टि छाया वाली जो स्थिति बन जाती है, विंड वृष्टि छाया की स्थिति बनती है, कि हवा जो है आपकी इस हाई प्रेशर उच्च दाब के कारण जो है आपकी यहाँ पर लगभग हवा का फ्लो बंद हो जाता है दोस्तों। जिसके कारण जो है जब ठंड के दिनों में इस मेडिटेरेनियन से, भूमध्य सागर से जो ठंडी हवाएं इधर की ओर चलती है, उसके कारण जो पंजाब हरियाणा से जो किसानों की पराली की जो समस्या है, वो इस कारण से क्या होती है कि जो सारी यहाँ पर जो खेतों में पराली जलाई जाती है, वो सारी हवाएं उड़ करके कहाँ पहुँचती है दोस्तों, आपकी न्यू दिल्ली में। लेकिन यहाँ से ये हवाएं आगे आपकी यूपी बिहार की तरफ नहीं बढ़ पाती, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये अरावली की जो पैकिंग है, जो अरावली माउंटेन के कारण जो एक ब्लॉकेज बन जाता है, जिसके कारण आपका ये हवाएं यहीं पर रह जाती है, और इसके कारण ये धीरे धीरे और ज़्यादा आपके हजार्डस फॉग से स्मॉग का रूप ले लेती है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरी इसकी जो समस्या है दोस्तों, ये है आपका लैटिट्यूड, कि आपकी ये विषुवत रेखा से 0 डिग्री से आप देख सकते हो कि लगभग आपका ये आपकी लाइन ऑफ कैंकर है कर्क रेखा। इसके बाद आप देख सकते हो कि दिल्ली की जो लोकेशन है दोस्तों, अबाउट आपकी 31 डिग्री के आसपास है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल एक हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, जिसके कारण जो है आपका जो सी विंड वगैरह की जो रीच है वो लगभग आपकी एंड हो जाती है। तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो दिल्ली का जो पॉपुलेशन है अबाउट 2 करोड़ है दोस्तों, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली का जो पॉपुलेशन है आज के टाइम में अबाउट 2 करोड़ है। तो एक छोटे से आपके एरिया में जो इतने इनॉर्मस आपके लेवल पे जब पॉपुलेशन होती है दोस्तों, तो उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेंस सिटी और इस तरह की चीज़ें भी बढ़ जाती है, और उसके कारण फिर आपका पॉल्यूशन लेवल बढ़ना लाजमी है।
चौथा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक न्यू चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, आर्टिफिशियल हीट। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, कि जब यहाँ पर आपकी 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी होंगे, फैक्ट्रियाँ भी होंगी, आपकी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल वर्क भी होंगे, जिसके कारण बोलता है कि आपकी जो आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, जो आपके बिल्डिंग है, जो आपके हर दिन यहाँ पर नए जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पर सीमेंट और इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके कारण क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल हीट है सीमेंट की दीवारों के कारण, जो चूंकि घर जो है बिल्कुल पास पास हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो जो सीमेंट की जो दीवारें हैं जो हीट रिलीज करती है, क्योंकि सीमेंट में एक गुण होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की तरह, कि ये भी आपकी जो हीट है उसको ऑब्जर्व करती है और बाद में उसको वो धीरे धीरे रिलीज करती है। लेकिन जब घर बिल्कुल पास पास होते हैं, तो उसके यहाँ कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी जो हीट है वो सही से रिलीज नहीं हो पाती, और जिसके कारण आपकी यहाँ पर आर्टिफिशियल हीटिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो तापमान है वो कृत्रिम रूप से आपके कंस्ट्रक्शन के कारण, आपकी जो सीमेंटेड जो बिल्डिंग्स की जो बहुत ज़्यादा मात्रा है उसके कारण दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाती है। और एक जो सबसे बड़ा रीज़न बनता है आपका जो है हाई प्रेशर के कारण, यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी है भूमध्य सागर से, जो ठंड के दिनों में आपकी दोस्तों यहाँ पर एक चलती जो हवाएं हैं, सर्द हवाएं जो है, उसके कारण यहाँ पर आपका हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों से जो हवाएं हैं वो दिल्ली की तरफ मूव कर जाती है, जिसके कारण यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम खतरनाक लेवल पे पहुँच जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें आगे इसकी, तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो देख सकते हो कि इसके लिए आपको दोनों लेवल पे काम करने की जरूरत है। एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने लेवल पे आपकी जो है तरह तरह की गाइडलाइंस, और जो उसने बहुत सारे भी फ्रेमवर्क लाए हैं दोस्तों, उस पर उसको वर्क करना चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट को भी अपने लेवल पे अपने रिसोर्सेज, अपने टैंकर्स जो है, पॉल्यूशन कंट्रोल, स्मॉग टावर्स, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही NCR जो स्टेट्स हैं जो दोस्तों, जिसमें आपकी हरियाणा, यूपी, साथ ही साथ अगर इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो पंजाब को भी, क्योंकि पराली की समस्या उधर से भी आती है, इसके साथ थोड़ा राजस्थान का जो एरिया है, तो इन सभी को भी कॉपरेट करने की ज़रूरत है, और अपने अपने स्टेट्स में आपकी जो पॉल्यूशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं उसको बहुत अच्छे लेवल पर उठाने की आवश्यकता। साथ ही यहाँ पर जो NGO हैं उनके साथ, उनके द्वारा, या अलग अलग जो आपके सोसाइटी को जो जागरूक करने वाले संस्थाएं हैं, उनको यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले करने की आवश्यकता है, ताकि वो समाज में एक आपकी जागरूकता अभियान चला सके, ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो सकें, अपने खुद के पर्सनल लेवल पे भी वो मास्क वगैरह यूज़ कर सकें, और जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वो बाहर ना निकले, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह का ज़्यादा यूज़ हो सके, जिससे आपकी इस तरह की समस्याओं का आपका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकाला जा सके। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपका फॉरेस्ट्रेशन को जो है बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए। अर्बन फॉरेस्ट्रेशन जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और साथ ही साथ जनता को बिल्कुल जागरूक करते हुए आपकी जो हाइब्रिड आपकी व्हीकल्स हैं, आपके इलेक्ट्रिक हो गए, आपके CNG हैं, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है दोस्तों। और इसके लिए साथ साथ जनता को भी, हमेशा की तरह मैं बोल रहा हूँ कि जनता को भी सबसे ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ओवरऑल इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट जनता पे ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये था पूरा टॉपिक दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, और अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हम इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम इस तरह के नए वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और चलिए, थैंक यू सो मच।